Yes, open your book, Pratibha Hindi Pathmala. Page number 61, part 4, Om Ava aur Chandra Bindu wale shabd. आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज. अम वाले शब्द पंख, जंगल, पतंग. अह वाले शब्द दुख, शनेह, फलतः. चंद्रबिंदु वाले शब्द पांव, गांव, छाम. क्वेश्चन वन, दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाओ. ये लड़का खड़ा है और इसने क्या कर रखा है, इसे हैंड्स ज्वाइन करके हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कर रहा है. तो आप इसको किससे मिलाएंगे, नमः, अंगूर, बांसुरी, पंख और सब. ये आपको मैचिंग करना है, आप बुक में ही करेंगे. अक्षरों को मिलाकर लिखो, ये भी हम लिख सकते हैं बुक के अंदर. क्वेश्चन टू, अक्षरों को मिलाकर लिखो या जोड़कर लिखो. क प्लस अम की मात्रा प्लस ज प्लस बड़े उ की मात्रा प्लस स. क अम की मात्रा, ज बड़े उ की मात्रा, स. सबको हमने ऐड किया तो क्या बना हमारा, कंजूस. क्या बन गया, कंजूस. द प्लस छोटे उ की मात्रा प्लस अ की मात्रा प्लस ख. दुख, तब छोटे उ की मात्रा अ की मात्रा ख, दुख. प प्लस आ की मात्रा प्लस चंद्रबिंदु प्लस च, पांच. ये एक्सरसाइज आप अपने बुक में कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से सुंदर राइटिंग में करेंगे. अब हम आज एक नया वर्क करेंगे, शब्दों को देखकर वाक्य लिखिए या दिए गए शब्दों से वाक्य लिखिए. जो आपके एग्जाम में भी आता है. लिखिए अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक निकालिए और कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए. दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए. जो शब्द मैंने आपको दे रखे हैं उस शब्द को यूज करते हुए आपको वाक्य बनाना है, ठीक है. सबसे पहले मैंने लिया झूला. आपको झूला शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है. जैसे मैं झूला झूलती हूँ, हम झूला झूलते हैं, रानी झूला झूलती है. कोई सा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, बस ये वर्ड उसके अंदर यूज होना चाहिए. जैसे मैंने बनाया मैं झूला झूलती हूँ, मैं झूला झूलती हूँ, ये झूला वर्ड यहाँ गया है ना. ऐसे एक नेक्स्ट शब्द ले रही हूँ मैं, कक्षा. जो शब्द आपके बुक में भी आए हुए हैं, कक्षा. मैं कक्षा पहली में पढ़ती हूँ, मैं कक्षा दूसरी में पढ़ती हूँ. आपका प्रश्न भी आ सकता है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं. तो हिंदी में अगर आपको आंसर लिखना है आप लिखेंगे मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ. बॉय क्या लिखेगा, बॉय लिखेगा मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ. गर्ल है तो पढ़ती हूँ, तो पढ़ता हूं. बाजार,
नंबरिंग कर देंगे हम। मेरे पापा बाजार गए, मेरी मम्मी बाजार गई, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बाजार जाता हूँ, है ना। मेरी दीदी बाजार गई, मुझे बाजार जाना अच्छा लगता है, कुछ भी लिख सकते हैं। मेरी पापा बाजार गए, मेरे पापा बाजार गए। फल, आम एक फल है, मुझे फल खाना अच्छा लगता है, मुझे फल बहुत पसंद है। आप इस पर बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही आप याद करें। बस आपको ये याद रखना है कि ये वर्ड्स उस लाइन के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर आने चाहिए। जैसे मैंने लिखा, आम एक फल है, सिंपल सेंटेंस बनाया है। बिल्कुल सेंटेंस ऐसा बनाना है जो सिंपल हो और जिसमें मात्राओं की मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। और मैंने बनाया किताब, मैं किताब पढ़ती हूँ, मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है, मेरी किताब बहुत सुंदर है, यह मेरी किताब है। कोई सा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। एक सेंटेंस और लिखेंगे हम, फूल, फूल सुंदर होता है, फूल मुझे अच्छा लगता है, फूल बगीचे में खिलता है, मैंने फूल की माला बनाई। आप कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं, फूल सुंदर होता है। मैंने आज 6 सेंटेंस आपको लिखवाए हैं, आप इन सेंटेंस को लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि आप और क्या लिख सकते हैं, नए सेंटेंस बना सकते हैं। मैं झूला झूलती हूँ, मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरे पापा बाजार गए, आम एक फल है, यह मेरी किताब है, फूल सुंदर है। आज मैंने आपको 6 वर्ड्स से सेंटेंस बनाए हैं, कल हम कुछ और करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। आप अपने दिमाग में कैसे अच्छे अच्छे वाक्य बना सकते हैं, जब आप बुक पढ़ेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, तो आप अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं।